रख लो अम्माद, कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। वैसे भी तुम्हारी प्रिंसेस का बर्थडे है आज, तोहफा खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर और बैठ जाओ यहाँ पर, इन पैसों को मिलाकर इतने पैसे तो जमा हो जाएंगे कि 1 पाउंड का केक ले जा सको अपनी बेटी के लिए। बस रिलैक्स अम्माद, रिलैक्स। इंसान अक्सर गुस्से में अपना नुकसान कर जाता है, क्योंकि तुम पहले ही कर चुके हो। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा, बैठ जाओ तुम। चलो माद भाई बता रहे थे कि महानू अरबाज से मिलने गई है। जानती। मेरे हिसाब से तो एक इंतहाई बेवकूफ़ी का फैसला, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था या आप नहीं चाहते थे? क्या बात है वानिया, पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ सीधे मुंह बात कर रही हो ना सीधे मुंह जवाब दे रही, कोई बात है क्या? क्या बात होनी है, मैं तो बस बर्दाश्त कर रही हूँ। बर्दाश्त कर क्यों? आपको नहीं पता? एक शौहर होने के नाते आपको कुछ नहीं पता? मुझे तो आपके बारे में सब कुछ पता होता है। दानिश को कब खाना खाना है, दानिश को कब कॉफी चाहिए, दानिश को कब आराम की जरूरत है, दानिश का मूड कब अच्छा है, दानिश का मूड खराब कब है, मैं तो सब जानती हूँ। आपको क्या पता है मेरे बारे में? देखो वानिया, मुझे सीधा सीधा बताओ प्रॉब्लम क्या है। रहने दे दानिश, ज्यादा गहराइयों में उतरने की कोशिश मत करें, डूब जाएंगे और मैं नहीं चाहती। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे बताओ क्या बात है, क्या नाराजगी है? मैंने मानूर और आपको बात करते हुए सुन लिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बहन की नजरों में और बुरा मत बनाओ। मैं खुद को तो बर्बाद होता देख सकती हूँ, लेकिन अपनी बहन को बर्बाद होता नहीं देख सकती। जो मानूर ने कहा वो भी सुना और जो आपने कहा वो भी सुना, और मानूर गलत नहीं है, गलत आप है। अगर रिश्ता नहीं निभाया जा रहा तो खत्म कर दें। लोगों को बता के हमदर्दी समेटने की क्या जरूरत है? हमें साथ रहना है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, मानूर नहीं। अगर आज तक मैं अपने घर वापस नहीं गई हूं तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरी माँ परेशान होगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को घसीटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब इसे खत्म कर देना ही बेहतर होगा।